दीपक रंजन, यहाँ पर अखिलेश यादव कौन सी रणनीति अपना रहे हैं? अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि भैया यूपी में कांग्रेस उतर ना पाए इसलिए महाराष्ट्र वाली चाल चल दी। देखिए पूजा, मैं सबसे पहले पाठक जी की बात में मैं आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, तो मैंने तमाचा मार दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिंदे गुट के शिवसेना के मुंह पे तमाचा मारा, अजीत पवार जी के मुंह पे तमाचा मारा, नहीं मारा। और वहां पे झारखंड अगर कैंडिडेट को अनाउंस कर दे रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अपने सहयोगी के ऊपर मैंने तमाचा मारने का काम किया। और देखिए ऐसा है कि रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में देखिए दो सीटें अभी हैं और जैसा कि अभी चीजें निकल करके आ रही है, देखिए हरियाणा में हम भी वहां पे चुनाव नहीं लड़े थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने वहां पर त्याग करने का काम किया था, एक भी कैंडिडेट हमने वहां पर नहीं उतारे थे। खैर उसका जो भी परिणाम आया, परिणाम सबके सामने है। यही रहा सवाल देखिए महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी शुरू से रही है और हमारे एक समय वहां पे 5 विधायक हुआ करते थे, आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के वहां पे 2 विधायक हैं और कई सीटों पे हमने सेकंड पोल किया था। तो 12 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में है, तो इसलिए हम अलायंस का धर्म अपनाते हुए हम 12 सीट की हमने मांग की है और हम समझते हैं कि मिल बैठ करके इसका कोई ना कोई एक हेल्दी रास्ता निकल करके आएगा। और समाजवादी पार्टी चूंकि वहां पे मजबूत है, और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि सब लोग अगर वहां पे महाविकास अगाड़ी समाजवादी पार्टी भी उसको सहयोग करके अगर सब लोग लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे परिणाम अच्छा है। रैली में अखिलेश यादव ने देखिए अभी कैंडिडेट ने अनाउंस किया है, एक प्रेशर टैक्टिक है ना, और सीधे सीधे कांग्रेस समाजवादी अपनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी कभी प्रेशर टैक्टिक्स नहीं अपनाती है। समाजवादी पार्टी जहां पे मजबूत है वहीं पर उन्होंने अपने सीटों के अनाउंसमेंट किया, अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया। लेकिन बात हो रही भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने देखिए इन्होंने महाराष्ट्र में इन्होंने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, इन्होंने झारखंड में कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, अरे उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 10 ही बाय इलेक्शन है, 10 में भी एक जगह का इन्होंने अपनी हार मान ली पहले से ही, तो 9 ही जगह बाय इलेक्शन है। यहां पर क्यों नहीं कैंडिडेट अनाउंस कर पा रही है? क्योंकि यहां पर सवाल आपके लिए भी है, आपने भी तो सिर्फ अपनी सीटें अनाउंस की ना, गठबंधन की सीटें तो नहीं कही जाएगी, कांग्रेस का अभी तक पता नहीं है कितनी सीटें उन्हें मिल रही है, 2 मिल रही है या 2 में भी 2 भी नहीं मिल रही उन्हें। देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना महिमा मंडप करते ना कि देखिए मैंने झारखंड में भी मैंने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, मैंने महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, लेकिन जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 जगह बाय इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर कैंडिडेट अनाउंस करने की इनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है क्योंकि वहां पर इनको खोजे नहीं मिल रहा कैंडिडेट। और ये मान चुके हैं कि जो अभी परिणाम आया, देखिए 2 राज्य ऐसे थे जहां पर, एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश, जहां पर ये मुश्किलें तो कांग्रेस के भी सामने है, ये मुश्किलें तो कांग्रेस के सामने भी है ना। देखिए ऐसा नहीं था, कांग्रेस 17 खबर तो ऐसी आ रही है कि कांग्रेस वहां पर एक बड़ा त्याग की तस्वीर वहां पर दिखाने वाली है। अच्छी तो देखिए ये तो अच्छी बात है ना, मैं कांग्रेस के सीधे नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ इसके लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए जो है, अगर कांग्रेस पार्टी जो है अगर अपने कैंडिडेट नहीं उतार जिस तरीके से हमने हरियाणा में नहीं उतारा था, तो अगर कांग्रेस ऐसा करे तो हमने भी तो हरियाणा में एक सीट पे हमने कैंडिडेट नहीं उतारा, तो फिर महाराष्ट्र में मान जाएंगे 3 से 4 सीटों पर। नहीं देखिए महाराष्ट्र में जो वहां पे मिल बैठ करके तय होगा, समाजवादी पार्टी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का वहां पर रेशियो जो है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी ने सेकंड पोल किया था और बहुत अच्छी लड़ी थी समाजवादी पार्टी 2019 में, और 2 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी का वहां संगठन बहुत मजबूत है, वहां की इकाई बहुत मजबूत है, अबू हसीन साहब लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हाँ, 2000 में 4 सीटें थी, 14 में 1 रह गई थी, फिर 19 में 2 सीटें आपके हाथ आई। हाँ, तो 19 में 2 सीट आई है, मान ली उस आधार पर अगर हम 12 सीट मांग रहे हैं तो हम कौन ज्यादा मांग रहे हैं, 288 में अगर हम 12 सीटें मांग रहे हैं तो हम कौन ज्यादा मांग रहे हैं बताइए, और वो भी हम वो सीट मांग रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, लड़की दिख रही है। 5 सीटें मांग रही थी ना यूपी में, उन्हें लग रहा था कि उनके कैंडिडेट्स मजबूत है वहां। नहीं नहीं आप बताइए कि कांग्रेस ने जो वहां पर अगर 5 सीटें मांगी थी तो समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छोड़ रखी उनके लिए, खैर और गाजियाबाद, तो 10 में 2 और 288 में अगर हमने 12 सीट मांगी तो आप बता दो हमने कौन सा आधा मांग लिया, अगर 10 में हम 2 दे रहे हैं। बोलिए अकाश यादव जी, क्या गलत कर रही है? अगर मैं 12 मांग रहा हूं, मैं क्या गलत कर रही है समाजवादी पार्टी? पार्टी मजबूत है पूजा, 19 सीटों पर मांग रही है, अगर रेशो के उससे देखें तो सही कह रही है, फिर तो मिलनी चाहिए 12 सीटें अगर आप 2 सीटें वहां पर अगर आपको दी जा रही है यूपी में। हम सभी हमारे सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, क्षेत्रीय कामगार पक्ष है, बहुत सारे घटक दल हमारे इंडिया अलायंस में, सबका सम्मान होगा और हम प्राथमिकता महाराष्ट्र की जनता को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मैं आपको बता दूं पाठक जी, और इनका मैं जवाब दे देता हूं।
जो इन्होंने कहा महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस साजिश सरकार ये अडानी के एजेंडे पे चल रही है, पूरे प्रोजेक्ट्स गुजरात स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, वहां पे किसान परेशान है। आज सोयाबीन जो आज उत्पादक किसान है जो सोयाबीन निकाल रहा है उसको 4,000 का भाव जो 2004 में मिलता था वो दिया जा रहा है। आज किसान परेशान है, कपास का MSP से 50% में भाव आ रहा है। यहाँ का किसान इनको इतनी बड़ी सबक देने वाला है। मैं दूसरी बात बता दूं, महाविकास आघाड़ी का कोई भी चिन्ह हो, मशाल हो, वो पंजा हो, चाहे वो तुतारी हो, ये कोई भी अगर सिंबल पे खड़ा होता है ना, वो कैंडिडेट जीतने जा रहा है। जनता ने मन ठान लिया है, जो कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी का रहेगा वो जीतेगा वहां।